भाई इतना रिस्क लेके ये नज़ारा दिखना तो काफ़ी वर्थ है। मतलब इतना ज़्यादा रिस्क ले लिया था ना, मतलब जान जोखिम में डाल के एकदम फिर खाई खाई में गए हम लोग। मतलब मेरा तो एकदम हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रैंडम रॉयज 2.0। होप आप लोग सब मस्त हो, स्वस्थ हो और एकदम तंदुरुस्त हो। आज एक नया वीडियो, नया दिन का शुरुआत। हम लोग अभी थोड़ा लेक्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इन द मिडस्ट ऑफ सेंटर पार्क्स। तो लेक में जाके हम लोग क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पे देखेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे बोट राइड्स भी होगा, स्टीमर राइड्स 1 घंटे का। तो आपको भी आगे जाके दिखाते ही यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो स्टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। यह वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये दिखो नज़ारा। अभी हो गया सुबह का 9:30 और एकदम क्लाउडी हो रखा है चारों ओर। तो चारों ओर जंगल जंगल है यहाँ पे। तो बहुत ही मस्त नज़ारा है यार, इसका आनंद उठाओ और मुझे भी आनंद लेने दो। और आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या है वो करते हैं हम लोग। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ एक्सप्लोर दिस प्लेसेस, दीज आर रियली रियली अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन यूके। सो यू नीड टू विजिट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लंडन और एनी अदर प्लेसेस। यार ये सब प्लेसेस मैं इंडियन टूरिस्ट कल भी मैं बताया था कि इंडियन टूरिस्ट में दिखा नहीं था। इधर ही मैं देख रहा हूँ कि सब फॉरेनर्स है, तो प्लीज़ इधर आओ अगर यूके आ रहे हो तो, नहीं तो बहुत मस्त नज़ारा मिस कर जाओगे। हम लोग इस कॉटेज में रुके, वी आर स्टेइंग इन दिस कॉटेज, इट्स काइंड ऑफ कॉटेज हियर। यहाँ पे इंडिविजुअल रूम्स है सब फैमिली मेम्बर्स के लिए। ये सारा ये है नज़ारा थोड़ा कॉटेज का। भाई अगस्त का महीना है और ये मोटा जैकेट पहन के घूम रहा हो यार, सोच सकते हो कितना ठंड है यहाँ पे। तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है कि अगस्त महीने में जैकेट पहन के घूम रहे हैं हम लोग। हम लोग जहाँ पे अभी जा रहे हैं वहाँ पे टिकट्स ख़रीदना होता है इन एडवांस, तो ऑनलाइन टिकट हम लोग खरीदते हैं क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट टिकट खरीदोगे तो थोड़ा काफ़ी महंगा रहता है। तो अभी ऑनलाइन टिकट बुक करके हम लोग सुबह सुबह निकल पड़ेंगे अभी। और एक आई थिंक आधा घंटा 45 मिनट का राइड है, तो हम लोग फिर जाके बोट राइड्स का मज़ा उठाएंगे और थोड़ा ट्रैकिंग वैकिंग भी करेंगे, छोटा मोटा, नॉट ट्रैकिंग, हाइकिंग भी करेंगे और खाना पीना तो चलेगा ही बीइंग अ देसी। अभी हम लोग कार पार्किंग में आ चुके हैं यहाँ पे। देखो बहुत बड़ा कार पार्किंग है, तो गाड़ी का नंबर्स देख के समझ सकते हो कितना भीड़ होगा। बट भीड़ हम लोग को लग नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब ये 600 एकड़ का ज़मीन लेके ये रिसोर्ट बना हुआ है। तो हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी भी चालू हो गया है। तो अभी गाड़ी लेके स्ट्रेट निकलेंगे टू आर डेस्टिनेशन। भाई ये रोड देख के एकदम नैनीताल वाला फीलिंग आ रहा है। देखो दोनों तरफ जंगल है और फिर थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का भी काम काज चल रहा है यहाँ पे। सामने भेड़ बकरी भी चल रहा है यहाँ पे, तो नैनीताल वाला फीलिंग आ रहा है। सामने पहाड़, देखो पहाड़ भी है यहाँ पे और ये है ग्रीन मेडोज। पे सिंगल लेन में भी आप 70-80 किलोमीटर, मतलब 40 माइल में भी गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पर टेंशन है नहीं बिकॉज सब अपने अपने लेन्स फॉलो करते हैं। अभी क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं इंडिया में गाड़ी चलाते हैं तो फिर टेंशन होता है कि कोई भाई रॉन्ग साइड से कोई आ ना जाए, इसलिए स्पीड ज़्यादा कर नहीं पाते। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब अपने अपने लेन्स फॉलो करते हैं। अभी तक मैं देखा नहीं कोई भी गाड़ी कोई रॉन्ग लेन में चला रहा है। ये एकदम बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस मान के यहाँ पे लोग गाड़ी चलाते हैं और प्रॉपर ड्राइविंग एटिकेट्स मानते हैं यहाँ पे लोग। सामने बहुत बड़ा लेक है, झील बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ये झील भी है। यहाँ पे बोटिंग वोटिंग सब कुछ चल रहा है और लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। देखो
भाई ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये स्टीमर है, इसमें हम लोग चढ़ के थोड़ा लेक का भी सैर करेंगे। अब काफ़ी ठंड है, ठंड मतलब बहुत ज़बरदस्त ठंड है, मतलब जैकेट पहन के घूमना पड़ रहा है। एकदम लेक का ठंड हवा ना कान में घुस रहा है भाई। ये तो यूके का नैनीताल है, एकदम नैनीताल लग रहा है यार। इसका कैप्शन का नाम ही दूंगा यूके का नैनीताल। ऐसे स्टीमर में हम लोग अभी चढ़ेंगे, टिकट ले लिए। ऐसे स्टीमर का टिकट का प्राइस है £22, मतलब हो गया आपका 2200 रुपये। और ठीक है, मतलब प्राइस के हिसाब से एकदम सस्ता है। और एक घंटा यहाँ पे सैर करेंगे। ये देखो ब्रिटिश फ्लैग, लेक में ना कुछ मगरमच्छ वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली मछली है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोग कायाकिंग वगैरह भी करते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। और ये लेक का जो डेप्थ है वो है 250 फीट, मतलब इट्स इक्वल टू 25-story building, 25 माले का बिल्डिंग के बराबर है। ये पहाड़ है, पता नहीं ऊपर भी है, यहाँ पे भी आप ट्रैक कर सकते हो ऊपर जाके। और लोग हाइकिंग भी करते हैं, फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। फॉरेस्ट एरिया मतलब ये ऐसा नहीं कि जानवर है, बट यहाँ पे जैकल्स वगैरह है, फॉक्सेस जैकल्स ये सब मिलता है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। और सामने देखो ये पहाड़ी है और चारों ओर पहाड़ से घिरा है यहाँ पे। तो दिस इज़ अ रियली अमेजिंग सराउंडिंग। एंड यहाँ पे एक देख रहे हो, यहाँ पे एक आइलैंड है यहाँ पे, छोटा सा, मतलब आइलैंड क्या बोले, यहाँ पे पत्थर का ही छोटा सा आइलैंड है। ये पानी में एक ही चीज़ याद आ रहा है कि पानी से चिपके हुए भाई लोग हम लोग अभी जा रहे हैं लेक का सफ़र करने। और ये है लेडी डॉर्थी के नाम पे ये जो बोट है उसको मेमोराइज किया गया है। वो देखो लोग वहाँ पे हाइक कुछ तो कर रहे हैं, यहाँ पे हाइकिंग वगैरह भी करेंगे बोट से। ये बोट से जाके उसमें चले हैं इस पहाड़ी में। तो यहाँ पे हाइकिंग भी होता है यहाँ पे देखो। और ये छोटा सा पत्थर है और यहाँ पे भी लोग छोटा सा बोट चला रहे हैं। बोट का नाम मुझे याद नहीं है, ये क्या पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ इसको बोलते हैं, कनोइंग। तो ये लोग कनोइंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये एकदम बीचों बीच एकदम पानी के बीच में। यार बहुत ही मस्त नज़ारा है, मतलब वही है। तो फिर से बोल रहा हूँ यार, अगर आप लोग यूके आ रहे हो तो प्लीज़ लंदन वगैरह मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जा चुके हो ऑलरेडी, ये सब जगह हो जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है यूके में, बिकॉज टिल नाउ आई हैव नॉट सीन अ सिंगल इंडियन टूरिस्ट हियर। सो आई गेस यहाँ पे इंडियन लोग बहुत कम आते हैं। दिस इज़ द पेनरिथ सेंटर पार्क एंड फ्रॉम हियर वी हैव कम द नेम ऑफ द प्लेस इज अल्स वाटर्स, ULLS वाटर्स। यहाँ पे आप एक गजब एक्सपीरियंस कर सकते हो, गजब ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ आओ यहाँ पे। और मैं आगे से ये दिखाते रहूँगा कि अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेज, आई एम नॉट गोइंग टू द प्लेसेज वेयर देर आर लॉट्स ऑफ टूरिस्ट। यार चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतना अच्छा नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ पे। लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से पटक से कर दो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, घाटा आपका ही हो जाएगा। इतना नज़ारा अच्छा अच्छा है, तो नोटिफिकेशन भी आते रहेगा आपके पास। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।
भाई अभी नया पार लग चुका है अभी, तो हम लोग अभी फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे एक्सप्लोर करने। थोड़ा हाइक करते करते हम लोग चलते हैं वाटरफॉल्स के पास। आवाज़ तो आ रही है यहाँ से, इस तरफ होगा, इस तरफ कहीं पे होगा, आवाज़ ज़ोर से आ रहा है भाई। दिख गया यहाँ से, ये वाटरफॉल्स, जब स्ट्रीम्स जा रहा है पानी का, ये है वाटरफॉल्स भाई। हाइकिंग वाइकिंग करने का आदत नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे ना टायर्डनेस नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर एंड बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स। पता नहीं यही फॉल्स का रूट होगा कि कहीं और होगा, आई गेस नॉट श्योर अबाउट दैट। देखते भाई और कहीं रास्ता होगा तो। पता चल गया फॉल्स कहाँ पे, ये जो पानी है ना, ये पानी को फॉलो करते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी, तो ये ऊपर जाके कहीं पे फॉल्स होगा जो पानी नीचे आ रहा है। यहाँ पे सही अच्छी बात है कि अपने इफ़ यू आर पेट लवर यू कैन ब्रिंग योर ओन पेट्स एंड एवरीथिंग, मतलब अलाउड है, तो लोग यहाँ पे अपना पेट्स को लेकर भी आ रहे हैं, अच्छा है भाई। थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है, क्यों बताओगे, देखो यहाँ पे रेलिंग वगैरह कुछ है ही नहीं, खाली ऐसा खाई है, ऐसा सीढ़ी है यहाँ पे, सीढ़ी से चढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा स्लीपरी भी है क्योंकि बारिश हुआ है। ये आगे हम लोग अभी एक मिनट का हाइक है और पहुंच जाएंगे, लगभग शायद पहुंच ही गए अभी। एक खाली जगह मिला, हम लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फैमिली के साथ आए तो भेड़ बकरियाँ सब चल रहा है यहाँ पे, चारों ओर हरियाली हरियाली, चारों ओर जहाँ तक आँख जाए करें वहाँ तक हरियाली। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लोग का आधा घंटे बाद फिर से वो शटल है, जो बोट है वो लेना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रेट फिर 2 बजे का बोट लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग पैर चला रहे हैं, क्योंकि फिर शटल मिस हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ से, तो वही है, बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है। चलो फॉल्स देख गया, ये है फॉल्स का नज़ारा, और अभी आगे जाके और भी अच्छे से दिखाई देगा भाई। क्या नज़ारे हैं यार, मतलब जन्नत है, नज़ारे तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये मुझे लंदन में नहीं मिलता, ये यूके का काउंटी साइड में ही मिलता है ये सब। ये देखो नीचे से रास्ता है, यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा नीचे फॉल्स के पास, देखते हैं भाई। फाइनली फॉल्स दिख गया यहाँ पे एकदम, मेरे को ये इंडिया वाला फॉल्स केम्प्टी फॉल्स का याद आ रहा है, और हम लोग जब कुर्ग जा रहे थे एक वहाँ पे भी हम लोग फॉल्स देखे थे कर्नाटका में, तो वैसे ही लग रहा है पूरा ये। हम लोग और थोड़ा नीचे जा रहे हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे, फिर हम लोग को 10 मिनट में भागना पड़ेगा यहाँ से। फाइनली हम लोग फॉल्स के सामने आ गए, ये है क्या नज़ारा है यार फॉल्स का ना, एकदम कतई ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा, एकदम ब्यूटीफुल फॉल्स है, और पानी का छीटा भी आ रहा है काफ़ी यहाँ से, तो ये फॉल्स यहाँ से जाके फिर ये स्ट्रीम जा रही है नीचे, अरे एकदम ब्यूटीफुल सा फॉल्स है यार, काफ़ी फोर्सफुल, मतलब फोर्स से नीचे आ रहा है पानी, तो ये नज़ारा देखने के लिए हम लोग थोड़ा हाइक करके आए, अभी नीचे जाने का तैयारी होगा, तो तब तक थोड़ा देख लो वीडियो। ये ब्रिज से हम लोग जाएंगे वापस, अरे क्या मतलब, पता नहीं आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं मेरा, मैं ज़ोर से बात कर रहा हूँ क्योंकि पानी का आवाज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और पानी एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम साफ़ सुथरा पानी है,
इसका नाम है आयरा फोर्स फॉल्स। ये एकदम टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और देख पाओगे एक कोई भी इंडियन टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे, वी आर द ओनली वन हु आर फॉरेनर्स हियर। भाई फॉल्स देख लिया, अभी भाग भाग के जाना पड़ेगा स्टीमर के पास में, स्टीमर छूट जाएगी फिर 2 बजे का स्टीमर लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को अभी थोड़ा भागना पड़ेगा। 10 मिनट दिखा रहा है एज पर द GPS, एज पर द गूगल मैप, तो नीचे जाके चलो आपसे बात करते, नहीं तो फिर ऐसा खाई में गिर जाएंगे। नीचे जाके बात करते हैं, चलो। चलो ये वीडियो मैं अब तक के लिए अभी समाप्त कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, तो मतलब बहुत घाटा हो जाएगा। आगे आगे बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू रैंडम रॉयस 2.0 फॉर फर्दर अपडेट्स। टिल देन, चीयर्स एंड बाय।